हेलो गाइस गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैकलिंक चेकर टूल के बारे में। तो आज की जो वीडियो है, इसमें हम आपको एक टूल बताएंगे जहां पर आप फ्री में बैकलिंक को चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे आप लोगों को कि जो बैकलिंक होती है उसे चेक क्यों किया जाता है, क्यों बैकलिंक चेकर टूल की जरूरत होती है एक ब्लॉगर को। तो देखो, जैसे कि आपका कोई कीवर्ड है, मान लो जैसे हमारा कोई कीवर्ड है, जैसे हमने देखा हमारा कीवर्ड है लव शायरी। जैसे कि हमारा कीवर्ड है लव शायरी। अब सीन ये है कि जैसे कि लव शायरी कीवर्ड पे जितनी भी ये वेबसाइट्स रैंक हैं, इनमें से जो नंबर वन की वेबसाइट है या फिर नंबर टू, नंबर थ्री, ये सब जितनी भी वेबसाइट रैंक है, इनकी क्या है कि एक अथॉरिटी है। और वो अथॉरिटी बिल्ड हुई है बैकलिंक से। मतलब उन्होंने बैकलिंक से अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी को इंक्रीज किया। और अपनी वेबसाइट की जितनी भी रैंकिंग है वो सभी चीजें बैकलिंक से उन्होंने इंक्रीज की, क्योंकि बैकलिंक्स का मतलब होता है अपनी वेबसाइट के लिए एक तरीके से कह लो कि ट्रस्ट बिल्ड करना। गूगल की नजर में बैकलिंक का मतलब हुआ ट्रस्ट बिल्ड करना। तो अगर आपकी वेबसाइट पे जितने ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होंगे, मतलब आप जितनी अदर साइट से जितना ज्यादा लिंक करोगे, उतना ज्यादा गूगल की नजर में आपकी वेबसाइट ट्रस्टेड होगी और उतने ही बढ़िया रैंकिंग गूगल आपको देगा। मतलब अगर आपकी कोई वेबसाइट है और वो वेबसाइट ठीक है, उस पर आपने कोई कीवर्ड लिखा, मतलब एक तरीके से आर्टिकल लिखा, उस पर आप कोई कीवर्ड को बीट कर, मतलब एक तरीके से कह लो आप कोई कीवर्ड टारगेट कर रहे हो। जैसे लव शायरी ले लो। अब लव शायरी पे जब आपने आर्टिकल लिखा, तो होता क्या है कि अगर आपको अपने आर्टिकल को नंबर वन पोजीशन पे लेके आना है, जैसे कि ये नंबर वन पोजीशन पे है, तो गूगल ये देखता है कि किस वेबसाइट पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट है, किस पे लोग भरोसा कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी वेबसाइट को अदर साइट से ज्यादा लिंक करोगे, बैकलिंक्स बनाओगे, तो गूगल को यही लगेगा कि इस वेबसाइट पे कुछ ऐसा कंटेंट है, कुछ ऐसा मतलब यूनिक चीज इसने दे रखी है जिससे ये सभी वेबसाइट इसको लिंक कर रहे हैं। तो गूगल को वो ट्रस्टेड लगेगा कि हाँ, इस पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, तभी तो ये सारी वेबसाइट इसको लिंक दे रहे हैं। तो गूगल क्या करेगा, आपका जो कंटेंट है और आपका जो वेबसाइट है, जो आर्टिकल है, उससे गूगल नंबर वन पे ले आएगा, क्योंकि आपने सबसे ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड किया अदर वेबसाइट से, तो इसलिए आपको नंबर वन पे लेके आएगा। जैसे कि अब ये शायरी बॉस डॉट इन, ये नंबर वन पे देखो यहाँ पर रैंक कर रही है। इसके बाद बेस्ट नाउ, ठीक है, उसके बाद शायरी FM, और भी कई वेबसाइट्स हैं। इसमें से कुछ ऐसी भी वेबसाइट्स हैं जो कि अगर रैंकिंग की बात करें उनकी, ठीक है, DAPA की बात करें, तो कुछ की ज्यादा है, कुछ की कम है, तो कम वाली ऊपर है, ज्यादा वाली नीचे है, तो उस सब का कोई फर्क नहीं होता है। DAPA का मेन होता है आपका कंटेंट और बैकलिंक। तो हमें बैकलिंक की जरूरत तब पड़ती है जब हम कोई कीवर्ड पे रैंक करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पर रैंक करना है इस कीवर्ड पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो नंबर वन की वेबसाइट है उससे ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। और ट्रस्ट कैसे बिल्ड करोगे, बैकलिंक की मदद से। तो हमने अपनी वेबसाइट पे बैकलिंक्स के ऊपर कई वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने बैकलिंक्स बनाने के बारे में बताया है कि कैसे कैसे आप बैकलिंक बना सकते हो। और ये सभी एक तरीके से ट्रस्टेड मतलब जितने भी मैंने अभी तक मेथड बताए हैं बैकलिंक के, वो सभी एक तरीके से बिल्कुल ट्रस्टेड है। वहां से आपको डू फॉलो बैकलिंक मिलेगी, और स्पैमी टाइप के या फिर ब्लैक हैट SEO से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं है मेरी, कोई भी ऐसी बैकलिंक की मेथड नहीं है। सब ओरिजिनल और सब अच्छी मेथड है जिनसे आप बैकलिंक बना सकते हो। बट सीन ये है कि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आपका जो कॉम्पिटेटर है वो कितनी बैकलिंक्स बना के नंबर वन पे रैंक कर रहा है, तब तक आप चाहे जितनी भी बैकलिंक बना लो कोई फर्क नहीं। आप ज्यादा बना लोगे तो धोखे में रैंक हो जाएगी। और आपको जरूरत कम की है, या फिर ऐसे भी होता है कि आपको जरूरत बहुत ज्यादा की है, आप बना रहे हो एक दिन में दो तीन बैकलिंक बना रहे हो और आपको चाहिए 10,000 बैकलिंक, तो इस केस में क्या होता है कि आप लोगों को बैकलिंक चेकर टूल की जरूरत होती है। तो हम आपको एक टूल सजेस्ट करेंगे जो कि फ्री है, SEO रिव्यू, ठीक है, SEOReviewTools.com। यहां पर आप बैकलिंक चेक कर सकते हो अपनी वेबसाइट की या फिर अदर वेबसाइट की, अपने कंपटीटर की,
बस करना क्या है कि जैसे कि हमने देखा कि हमने कीवर्ड सर्च किया लव शायरी, अब हमें इस कीवर्ड पे आर्टिकल लिखना है। ओके, तो हमने इस आर्टिकल को ओपन किया जो कि नंबर वन पे है, इसके यूआरएल को कॉपी किया, देन इसके बाद हमने क्या किया, जाके सीधे इसे सर्च किया। हम यहाँ पर सर्च कर देंगे और सर्च करके हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, देख लेंगे कि इसने कितनी बैकलिंक बनाई है, इस पेज पे कितनी कितनी बैकलिंक्स हैं। ओके, और कितनी डू फॉलो है, कितनी नो फॉलो है, कौन कौन से पेज, कितनी रेफरिंग डोमेन्स हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको वो पता चल जाएगा। बट इसी के साथ एक और टूल है जो कि यूबर सजेस्ट, जो कि बिल्कुल फ्री है, आप सब में से बहुत लोग उसको यूज करना भी जानते हो। तो यहाँ पर भी आप पता लगा सकते हो बैकलिंक के बारे में। बस आपको करना क्या है कि नॉर्मल सा बस आना है बैकलिंक्स पे, यहाँ पर अंदर आके ये जो यूआरएल यहाँ पर ये बॉक्स मिलेगा जहां पर आप अपने डोमेन बैकलिंक सब सर्च कर सकते हो। पहले तो आप यहाँ पर जो यूआरएल है उसे पेस्ट करो, देन उसके बाद आप बैकलिंक्स पे जाओ, यूआरएल सेलेक्ट करके सर्च कर लो। अब आप जैसे ही सर्च करोगे आपके सामने पूरा आ जाएगा डैशबोर्ड जिसमें सब कुछ होगा, जैसे डोमेन स्कोर बता रहा है, इस पेज का डोमेन स्कोर, बैकलिंक्स, इस लव शायरी कैटेगरी मतलब लव शायरी का जो ये आर्टिकल था उस आर्टिकल को रैंक करने के लिए इस वेबसाइट ने कितनी बैकलिंक बनाई, तो यहाँ पर दिखा रहा है 842 बैकलिंक्स बनाई हैं जिसमें से नो फॉलो कोई भी नहीं है, रेफरिंग डोमेन दो हैं, मतलब दो रेफरिंग डोमेन उसने बैकलिंक्स बनाई हैं। ओके, तो सभी बैकलिंक की लिस्ट भी नीचे आ जाएगी। बट ये फ्री टूल है तो ज्यादा तो नहीं देगा, कुछ ही देगा, बट आपको एक आइडिया लग गया कि हाँ 842 बैकलिंक्स हैं, तो आपको इससे ज्यादा बैकलिंक बनानी होगी तभी आप इस लव शायरी जैसे हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड पे नंबर वन पे रैंक कर पाओगे। ओके, अगर आपको नंबर वन पे रैंक करना है, इस वेबसाइट को बीट करना है, तो आपको इससे ज्यादा हाई अथॉरिटी की बैकलिंक्स और अच्छी बैकलिंक्स बनानी होगी कंटेंट यूनिक देके। ओके, तो जो हमारा टूल था वहां पर दिखा रहा है 1007 बैकलिंक्स बना रखी हैं इस पेज पे, मतलब इस जो ये वेबसाइट है इसने इस कीवर्ड पे जो आर्टिकल रैंक किया है उसके लिए 1007 बैकलिंक्स बनाई हैं और इसकी पेज अथॉरिटी 58 है, रेफरिंग डोमेन्स 5 हैं, रेफरिंग आईपी 5 है, 9 है। ओके, और कुछ बैकलिंक्स की लिस्ट भी इन्होंने दे दी है कि ये बैकलिंक की लिस्ट है जहां जहां से इन्होंने बैकलिंक्स बनाई है। तो आप कोशिश करो कि पहले तो इन्होंने जहां जहां बनाई है वहां बना लो, बट एक चीज ध्यान रखना कि स्पैम बैकलिंक नहीं बनानी है। अब जैसे बेस्ट नाउ पे इन्होंने बनाई है, तो बेस्ट नाउ एक ट्रस्टेड वेबसाइट है शायरी कैटेगरी की। ओके, तो आप यहां पर पहले देखोगे गेस्ट पोस्ट या फिर अदर कोई मेथड बैकलिंक का या फिर पेड बैकलिंक, तो इस मेथड से अगर बैकलिंक बनती है तो आप बना लो, बट अगर नहीं बनती है तो आप क्या करो, कोशिश करो कि अपने आप से कुछ और मेथड से बैकलिंक बनाओ, जैसे कि कमेंट बैकलिंक भी नो फॉलो होती है, जैसे मैंने बताया था कि गेस्ट पोस्ट कर सकते हो, आप किसी से कांटेक्ट करके बैकलिंक बनवा सकते हो, जो अदर कैटेगरी वाले उनको मेल करके उनको बता के उनसे ठीक है उनके लिए आर्टिकल लिख के बैकलिंक बना सकते हो। तो इसी तरह कई मेथड है, मैंने बैकलिंक्स पे कई मेथड बताए हैं, जैसे ये देखो वाई बैकलिंक इज इम्पॉर्टेंट, और भी बैकलिंक के मेथड मैंने बना रखे हैं, मतलब अपनी वीडियो में बताए हैं, तो उनकी हेल्प से आप बैकलिंक बना सकते हो अपनी वेबसाइट पे, और उन्हीं बैकलिंक की हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हो। ओके, कम से कम समय में, क्योंकि जब बैकलिंक ज्यादा से ज्यादा होगी आपके कंटेंट पे तो सीन ये होगा कि गूगल को लगेगा कि हाँ इसने अपनी यूजर से ट्रस्ट बिल्ड किया, मतलब गूगल के नजर में एक ट्रस्टेड साइट लगेगी कि हाँ ये कुछ बंदे ने कुछ चीज प्रोवाइड की है जो इतने लोग इसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो गूगल क्या करेगा आपको उस कीवर्ड पे नंबर वन पे ले आएगा। तो दो रैंकिंग मेथड है समझ लो, पहला तो बैकलिंक, जितने ज्यादा बैकलिंक्स बनाओगे उतना ही ज्यादा आप रैंकिंग अच्छी पाओगे, और दूसरी चीज कंटेंट इज किंग, कंटेंट यूनिक नहीं होगा तो यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा, उसके बाद अगर आपका कंटेंट भी खराब होगा तो आप चाहे जितनी भी बैकलिंक बना लो गूगल आपको ला के नीचे ही पटक देगा। ओके, तो इसलिए जो ये टूल है seoreviewtools.com इसे देख लो डोमेन को और यूज करो, बैकलिंक्स अपने कंपटीटर की जानो और उनसे अच्छी बैकलिंक्स बनाओ। ओके, और यूनिक कंटेंट दो, कुछ ही दिन में आप रैंक कर जाओगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और अब की जो मेरी वीडियोस आएंगी उस पर अगर अच्छा रिस्पांस देते हो, जैसे कि आज की वीडियो है इस पर अगर 20 लाइक हो जाएंगे तो और भी मैं बैकलिंक से रिलेटेड वीडियो लाऊंगा, आप लोगों को बैकलिंक खोज के दिखाऊंगा, फ्री पेड
जितने भी टूल्स हैं सबसे, और बैकलिंक कैसे बनाई जाती है, इन सब के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप लोग आज 20 लाइक का जो टारगेट है, एक तरीके से एम है, वो पूरा कर देते हो, तो ये समझ लो कि आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊंगा बैकलिंक्स के ऊपर। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।